हाँ भाई ललाओ, क्या हाल है? चलो बढ़िया है। देखिए भाई, कल जो हमने अपने रेस्पिरेशन को स्टार्ट किया था, वहाँ वैसे कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाली बात नहीं थी, लेकिन वहाँ हमें ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन का जो संबंध था वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम जो बात करते हैं वो आप ध्यान समझिए, अपने फटाफट चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम बात करके चलते हैं वो है भाई श्वसन स्थल। ठीक है, तो श्वसन स्थल में मोस्टली जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से आप मेरी बात को समझो, इसका मतलब क्या है भाई? जिस प्रकार हमने प्रकाश संश्लेषण का स्थल देखा था, उसी प्रकार हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर प्लांटों में, एनिमल में जो रेस्पायरेशन स्थल है वो कहाँ क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग थी वो थी श्वसन का स्थल, तो उसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इससे सीधी सी बात ये साफ होती है कि भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें हमारे रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। ठीक है, तो अब हम जनरली रूप में जो पढ़ेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पढ़ेंगे। हालांकि आपसे कभी भी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बताओ या हरित लवक की संरचना बताओ, नहीं, लेकिन हमें बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम थोड़ा फास्ट इसको लेके चलते हैं, क्योंकि आप 11th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं और अब भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, है ना? तो देखिए भाई, संरचना की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी कला युक्त कोशिकांग है। अच्छा, मैं इसकी थ्योरी नहीं लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना? क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे ना वो अपने मोस्ट वन बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं जनरल इसका डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ डायरेक्ट, है ना? ध्यान से आप समझना, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उस पर हम ज्यादा टाइम लगाएंगे, है ना? समझ रहे हैं? उसको रिवाइज भी कर लेंगे यदि हमारे पास टाइम बचेगा तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे माइटोकॉन्ड्रिया चित्र के हिसाब से समझाऊंगा तो आपको थ्योरी भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपके पास तो PDF है। देखिए भाई, मैं नेक्स्ट बात हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो आप ध्यान समझो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल लेयर दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोहरी झिल्ली बना दी, यहां पर आप सभी को दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन अब मैंने इसको रफ कर दिया है कोई कारण की वजह से, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पहला पॉइंट ध्यान समझो कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कोशिकांग इसकी ये तो है बाह्य कला, जो कि होती है सपाट। कैसी होती है भाई? दो परत है तो एक बाह्य परत एक आंतरिक परत, तो जो बाह्य परत होती है वो होती है सपाट, लेकिन जो आंतरिक परत होती है उसमें कुछ इस प्रकार के ओवार लिए होती है। आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि जो बाह्य परत है वो तो सपाट होती है, लेकिन आंतरिक परत में कुछ ओवार लिए होती है आंतरिक परत। आपको बिल्कुल अब डायग्राम समझ में आ गया माइटोकॉन्ड्रिया का? पहली लाइन देखो, डबल लेयर होती है। ठीक है,
इसकी बाह्य कला सपाट जबकि आंतरिक कला कुछ उभार लिए हुए होती है। इन उभारों को हम कृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं इन उभारों को? कृष्टि। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? अच्छा, ये जो परत है जिसको हम बाहर की परत कह रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं बाह्य परत है, और ये आप सभी जानते हैं कि भाई ये आंतरिक परत है ना। लेकिन ये दोनों जो परत हैं इनके बीच का जो स्थान है, ये वाला, इस स्थान को हम परिकला अवकाश कह के चलते हैं, पेरी मेम्ब्रेन स्पेस बोल के चलते हैं। तो यहां तक आप मेरी चित्र के हिसाब से लाइन पढ़ने की कोशिश करना और समझना, फर्स्ट लाइन आपकी पीडीएफ से, कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, बताओ है कि नहीं, है ना। इसकी बाह्य कला सपाट जबकि आंतरिक कला कुछ उभार लिए हुए होती है, और इन उभारों को कृष्टि कहते हैं। कोई दिक्कत इस लाइन में? ठीक है, चित्र से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है? ये आंतरिक लेयर थी जो इस प्रकार के उभार लिए हुए है, इनको हम क्या बोलते हैं? मोस्ट वन कृष्टि बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन दोनों परतों के बीच का जो स्पेस है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम परिकला अवकाश बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं? परिकला अवकाश बोल के चलते हैं। 40 से 70 एंगस्ट्रॉम इसकी स्पेस होता है। हमें नहीं लिखना है ना ही याद करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी कृष्टि होती है, कृष्टि, अच्छा ये सभी कृष्टि हैं आप सभी जानते हैं, तो इन कृष्टियों के ऊपर रैकेट नुमा कुछ संरचनाएं होती हैं या कुछ कण लगे हुए होते हैं, संब्रंत। संब्रंत का मतलब है जिनमें ब्रंत जैसी संरचना हो। इन्हें हम मोस्ट वन F1 कण के नाम से जानते हैं। ये मैं आपको 11th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप यहां दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। क्या आप कृष्टि जानते हैं? क्या है कृष्टि? कृष्टि इनर लेयर के उभार हैं केवल, ठीक है, है ना, उनको हम कृष्टि बोलते हैं। अब ये जो कृष्टि होती हैं, इनके ऊपर एक कुछ पार्टिकल्स लगे होते हैं, कुछ कण जैसी संरचना होती है, उन कण को हम F1 कण या ऑक्सीसोम कण बोल के चलते हैं, या प्रारंभिक कण बोल के चलते हैं। ठीक है, अब ये जो F1 कण होते हैं, इनके पास क्या होता है कि इनका जो सिर है, ये वाला सिर, इस सिर पर ATP एज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? ATP एज, यानी कि जिसको हम ATP सिंथेटेज एंजाइम बोल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन में हमारा मुख्य प्रोडक्ट ATP है, तो उस ATP का निर्माण इन F1 पार्टिकल्स के द्वारा ही होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से। अभी हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला को इसी चैप्टर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फॉर नीट एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम। ठीक है, हाँ, नीट में तो इनसे क्वेश्चन रहता ही नहीं है, मैंने आपको कह दिया, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, इससे तो कोई भी साल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहता भाई, हर साल आते हैं नीट में भी। ठीक है, आप देख लेना चाहे प्रीवियस पेपर, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो जनरली अब हम यही पढ़ के चलते हैं। अब जैसे हम एक चित्र के माध्यम से इसकी संरचना कैसे बनाएंगे। अच्छा, ये आपका डायग्राम कंप्लीट है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो बीच बीच में क्या होता है कि कुछ श्वसन एंजाइम है, जैसे NAD है, NADP है, FED है, ये भी इसके अंदर पाए जाते हैं। बाकी साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य वगैरह ये तो होते ही, ये तो जनरली कोई बात नहीं ऐसी, है ना। ये श्वसन एंजाइम है NAD, NADP आदि। ठीक है भाई,
देखिए अब तो इस चित्र के माध्यम से मैं किस प्रकार इसकी संरचना को लिख सकता हूं या समझ सकता हूं, तो ध्यान से समझिए आप। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर होता है, बाह्य कला सपाट जबकि आंतरिक परत कुछ ओवाल लिए होती है, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, दोनों परतों के बीच के गैप को परिकलावकाश बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट, क्रिस्टी के ऊपर कुछ संबंध कण लगे रहते हैं जिन्हें F1 कण कहते हैं, और इन F1 कण के सिर पर ATPase एंजाइम पाया जाता है जो ATP का क्या करता है, निर्माण करता है ना। तो सिंपल सी बात यह हुई कि हमारे, और इसमें कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात यह हुई कि भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसी के अंदर हमारी पूरी रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, अर्थात ऊर्जा बनती है। तो इसी को हम, इसीलिए हम अपने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। यू नो बेटर क्या, कि भाई पावर हाउस ऑफ सेल कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गई मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, है ना। तो बताइए आपको माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में क्या दिक्कत है? भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कितनी सिंपल सी तो बात है इसके बारे में। डबल लेयर है, अवकाश है, क्रिस्टी है और F1 कण है। आप तो यूं याद रखो, क्रिस्टी और F1 कण क्या है? क्रिस्टी हम जानते हैं आंतरिक परत के ओवार है, और इन क्रिस्टी के ऊपर रैकेट नुमा बैडमिंटन आप जो खेलते हैं, ठीक है, तो उसके नुमा एक संरचना होती है जिन्हें हम मोस्ट वन F1 पार्टिकल्स बोलते हैं, और उनके सिर पर ATP सिंथेटेज या ATPase एंजाइम होता है जो ADP से ATP का निर्माण करता हुआ जाता है, इसलिए इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको, जिस किसी को भी करना है डायग्राम बना लीजिए बिल्कुल इसी प्रकार। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ध्यान से आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए भाई। आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है। ठीक है, क्या क्या टॉपिक है वो आप ध्यान समझो। हम पढ़ के चलते हैं ऑक्सी श्वसन की क्रिया विधि, मतलब अपने पूरे रेस्पायरेशन को, और रेस्पायरेशन का मतलब क्या हुआ कि हमें तो केवल वायवीय श्वसन को पढ़ना है। कौन से श्वसन को पढ़ना है? वायवीय श्वसन को। ठीक है, तो मैं आपको यहां एक पॉइंट बता दूं कि जो वायवीय श्वसन हमारी बॉडी में होता है, वायवीय श्वसन तीन चरणों में संपन्न होता है। पहला है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रेव चक्र, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। ठीक है, सुनिए भाई, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चले हैं, और हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक ये कहता है कि आप पूरी वायवीय रेस्पायरेशन को समझाइए भाई, एरोबिक रेस्पायरेशन को। तो हम ये बोलेंगे कि भाई जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है वो टोटल तीन चरणों में होता है। अब भाई रेस्पायरेशन का समीकरण हम जानते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कीजिए, आपको CO2 और ऊर्जा बनानी है। ठीक है, तो यदि आप ग्लूकोज का प्रयोग कर CO2 और ATP आप बना लेते तो वहीं आपका रेस्पायरेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये भी हम जानते हैं। अब ये ग्लूकोज से CO2 और ऊर्जा जो हम बनाते हैं ना, वो इन तीन स्टेपों से होकर हमें गुजरना पड़ेगा, तब जाके बने। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, अर्थात आपने सबसे पहले एक ग्लूकोज का अणु लिया। ध्यान से आप मेरी बात को समझो, आपने एक ग्लूकोज का अणु लिया,
और इस ग्लूकोज के अणु से आपको क्या बनानी है, 38 एटीपी और CO2 बनानी है, 6। यही हमारा उद्देश्य है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई चलो मैंने आपको ग्लूकोज दे दिया और आप 38 एटीपी और 6 CO2 बनाकर मुझे बताइए, तो आप बोलेंगे सर यदि हमें ग्लूकोज से जो प्रोडक्ट आपने दिए वो बनाने ना, तो हमें 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो हम ग्लाइकोलाइसिस चरण से गुजरेंगे जिसके द्वारा हम अपने ग्लूकोज अणु को पाइरूविक अम्ल में तोड़ेंगे। ये पहला काम है हमारा, ठीक है। मैं कह चलो ठीक है, यहां तक अच्छी बात है। पर आप बोलेंगे सर अब ये जो पाइरूविक अम्ल है इसके द्वारा अब हम चलाएंगे क्रेब चक्र, और उस क्रेब चक्र की सहायता से हम कुछ छिपी हुई एटीपी और CO2 का निर्माण करेंगे अपने 6 कार्बन का। बात मेरी समझो, ये जो पाइरूविक अम्ल है ये पाइरूविक अम्ल अब क्रेब चक्र चलाकर कुछ हिडन एनर्जी बनाता है। हिडन एनर्जी का मतलब कुछ ऐसे यौगिक बनाता है जिनके पास एटीपी छिपी हुई होती है, डायरेक्ट नहीं बनाता, मतलब मैं कह सकता हूं इनडायरेक्ट एटीपी, इनडायरेक्ट एटीपी, और 6 कार्बन बन जाते हैं। तो जो हमारे CO2 होते हैं वो तो क्रेब चक्र के माध्यम से पूरे बन गए, और कुछ इनडायरेक्ट एटीपी बन गई जिनका जिनसे हमें आगे पूरी एटीपी बनानी है, ठीक है। अब फिर आप बोलेंगे सर जब हम इनडायरेक्ट एटीपी और अपने 6 कार्बन क्रेब चक्र के माध्यम से बना लेते हैं ना, तो लास्ट में हम अपने ये जो इनडायरेक्ट एटीपी है इनसे यदि हमें पूरी एटीपी प्राप्त करनी है, तो हम ETS के माध्यम से अपने पूरे 38 एटीपी का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप देखिए हमारी यात्रा ग्लूकोज से स्टार्ट हुई थी। कहां से? ग्लूकोज से, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भाई ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पायरेशन, अर्थात एक जनरली रेस्पायरेशन जो एनिमल सेल के अंदर होता है, एनिमल प्लांट सेल के अंदर, मतलब हमारे अंदर और उच्च वर्गीय पौधों के अंदर, ठीक है। तो उसके बताओ इस वायवीय श्वसन के पूरे 3 चरण हुए कि नहीं हुए? आपको तीनों चरण का उद्देश्य समझ में आ गया? पहला जो चरण है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोल के चलते हैं, उसमें हम ग्लूकोज से केवल पाइरूविक अम्ल बनाएंगे। पहले ये पाइरूविक अम्ल अब चलाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब चक्र, जिससे बनेगा इनडायरेक्ट एटीपी और 6 CO2। अब जैसे इनडायरेक्ट एटीपी का मतलब मैं आपको बता दूं यहां छोटा सा, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर ये NADPH बनाया, NADPH बना लिया, कहां बनाएंगे हम इसको, क्रेब चक्र में। अभी बताऊंगा आपको, समझना है थोड़ा सा। ये NADPH यदि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से गुजर जाए तो आपके लिए 3 ATP बनाकर देगा। समझ में आ गई बात? ऐसा ही एक अणु है FeDH2, ये आपके लिए 2 ATP बना के देगा। तो ऐसे इनडायरेक्ट एटीपी वाले जो यौगिक हैं वो हम क्रेब चक्र में बना के चलते हैं। कुछ डायरेक्ट एटीपी बनती हैं लेकिन ज्यादातर इनडायरेक्ट एटीपी बनती हैं। तो हमारे अब हमें क्या करना है कि जिनके पास एटीपी छिपी हुई है उस एटीपी को आपको निकालना है, नहीं निकालना, तो उसे निकालने के लिए ही हमें कौन सा तंत्र करना पड़ता है, कौन सी श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, ठीक है। अर्थात इनके पास जो आयनिक हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन है, उनको परिवहन कराकर हम अपने उनमें से एटीपी को निकाल लेंगे और टोटल 38 एटीपी का क्या करेंगे, निर्माण। अब टोटल 38 बने या कितनी भी बने मतलब वो हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो बताओ बताइए आप मुझे ये सिस्टम आपको समझ में आया नहीं आया, इसको आप नोट कर सकते हैं एक बार चाहे तो, क्योंकि ये कई बार ये चीजें काम आ जाती हैं याद करने में, ठीक है। चलिए आप सुनिए भाई,
जैसा कि हमें पता चल गया कि भाई हम अपनी पूरी वायवीय श्वसन को हम देख रहे हैं, तो सर्वप्रथम जो हम बात करेंगे अब वो करेंगे ग्लाइकोलाइसिस। पहला चरण है भाई ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो अभी मैं आपको मोस्ट पॉइंट में यहां पर बता देना चाहता हूं, तो आप ध्यान से समझना। सबसे पहले हम यहां पर एक परिभाषा इसकी लिखते हैं, ग्लूकोज के एक अणु का रासायनिक प्रक्रमों द्वारा पाइरूवेट अम्ल के दो अणुओं में विघटन होना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। इसे एम्बिडेन मेयरहॉफ तथा पारनास ने प्रस्तुत किया, अतः से ईएमपी पथ भी कहते हैं। सुनिए भाई, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं भाई? ग्लाइकोलाइसिस। भाई हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में हम सबसे पहले ग्लूकोज लेते हैं। अरे आप सिस्टम तो समझ गए ना हमें क्या करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो ग्लाइकोलाइसिस है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है यहां से, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं 10 और 11 दोनों ही चैप्टर से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम ग्लाइकोलाइसिस चक्र को देखेंगे, तो ग्लाइकोलाइसिस का उद्देश्य क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का ये उद्देश्य है कि जो हमारे पास ग्लूकोज है, जिसके पास 6 कार्बन है, आप जानते हैं हेक्सोस शर्करा है, इस ग्लूकोज अणु को पाइरूवेट अम्ल जो कि 3 कार्बन का होता है, उसके 2 अणुओं में तोड़ना हमारी ग्लाइकोलाइसिस का उद्देश्य है। अरे ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब तोड़ना, विखंडित करना, जनरली सिंपल सी बात है ना। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस की परिभाषा देखते हैं कि आखिर ग्लाइकोलाइसिस क्या है। तो देखिए, ग्लूकोज के एक अणु का रासायनिक प्रक्रमों द्वारा पाइरूवेट अम्ल के 2 अणुओं में विघटन होना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। तो जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है ना, वो विभिन्न केमिकल रिएक्शनों से जब गुजरता है तो अंत में 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट एसिड के बनाता है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। अभी जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र है या ग्लाइसोलाइसिस प्रक्रिया है, इसे हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। क्या रीजन है भाई इसका? तो इसका रीजन ये है कि इस चक्र को 3 वैज्ञानिकों ने समझाया, प्रस्तुत किया, एम्बिडेन, मेयरहॉफ और पारनास, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात कि इसको ईएमपी पाथवे क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं 2 पॉइंटों में? चलिए, अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र है, अब इसकी हम पूरी थ्योरी पढ़ के चलते हैं, और यहीं से हमें क्वेश्चन भी करना है। तो एक क्वेश्चन, आप एक लाइन ध्यान समझना, चलो ये डायरेक्ट लिख देता हूं। यह है प्रक्रिया निम्न प्रकार से
होती है। नंबर एक, ग्लूकोज अणु का फॉस्फोरिलीकरण, दूसरा है ग्लूकोज अणु का फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड की अणुओं में विघटन, और तीसरा है पाइरूवेट अम्ल का निर्माण। सुनिए भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये मैंने यहां हेडिंग क्यों लिखी है, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम में यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पूरी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है, पूरी ग्लाइकोलाइसिस अर्थात ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट अम्ल में कैसे होता है, इस पूरी प्रक्रिया में टोटल 10 स्टेप होते हैं। याद रखना आप इस बात को भी, ये भी नीट में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं ना, कि पूरे ग्लाइकोलाइसिस में कितने चक्र होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, 10, यानी कि 10 प्रक्रम होते हैं। तो ये जो टोटल 10 प्रक्रम हैं, इनमें इनकी 3 मेन हेडिंग बनती हैं। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि जो पूरा ग्लाइकोलाइसिस चक्र है वो 3 स्टेपों से गुजरता है, 3 चरणों से। अब वो 3 प्रक्रम कितने हैं, 10, चरण कितने, 3। तो वो 3 चरण ध्यान समझो, ये आपको अच्छी तरह के समझने हैं। पहले चरण में ग्लूकोज के अणु का होगा फॉस्फोरिलीकरण। जानते हैं आप फॉस्फोरिलीकरण मतलब एटीपी दीजिए एडीपी बनाइए, जानते हैं फॉस्फोरिलीकरण का, पहला चरण। दूसरे चरण में क्या होता है कि जो आपके पास फॉस्फोरिलीकृत ग्लूकोज है, मतलब यहां का जब लास्ट प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, उससे आपको फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के अणुओं का निर्माण करना है, है ना, या मैं कह सकता हूं इस ग्लूकोज अणु का विघटन, या मैं डायरेक्ट बोल दूं यहां पर अणुओं का निर्माण, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि ग्लूकोज का करेंगे फॉस्फोरिलीकरण, दूसरे स्टेप में ग्लूकोज जब पूरा फॉस्फोरिलीकृत हो जाता है तब हम उससे बनाएंगे फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, तीसरे चरण में क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे पाइरूवेट अम्ल, ठीक है। तो ये 3 चरण हैं वो पूरे 10 रासायनिक प्रक्रमों से गुजरते हैं। अभी जब हम आरेख बनाएंगे तो आपको पूरी बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि भाई आखिर इन हेडिंगों का क्या मतलब है, है ना। और मैं आपको बता दूं कि आपसे बोर्ड एग्जाम में कभी भी इनकी पूरी थ्योरी नहीं पूछेगा, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र को समझाइए, आपसे ये पूछेगा कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र का आरेख बनाइए। आरेख बना दिया, या तो आपसे पूरा आरेख पूछ लेगा या आपसे डायरेक्ट कोई भी एक हेडिंग इनमें से पूछ लेगा। तो उसने जो पूछा था वो ये पूछा था कि ग्लूकोज अणु का फॉस्फोरिलीकरण क्या है समझाइए, और इसी का आरेख बनाइए, केवल फॉस्फोरिलीकरण तक का ही, मतलब पूरा आरेख भी उसने नहीं पूछा था, ठीक है। तो अभी जब हम आरेख बनाएंगे तो आपको पूरी हेडिंग बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगी, है ना। ये आपको पता ही है कि मैं कंसेप्ट बहुत अच्छे देता हूं इनके, ठीक है। हाँ, तो आप समझना, है ना भाई, जब हम पूरे आरेख को देख लेंगे ना, उसके बाद जब मैं इन पॉइंटों पर जाऊंगा तो आप बोलेंगे सर अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन फिर भी पहले तो हमें देखना ही पड़ेगा ना। अब हम अपने चलते हैं भाई मोस्ट वन, जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार था, ग्लाइकोलाइसिस चक्र, ठीक है।
ध्यान से आप मेरी बात को समझते चलना, बहुत बिल्कुल माइंड को फ्रेश करके अब इस बात को समझना, ठीक है। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं क्योंकि बड़ा आरेख है। देखिए भाई, सर्वप्रथम हमारे पास है ग्लूकोज का एक अणु जो कि 6 कार्बन का है। बताओ होता है नहीं होता? होता है। चलो मैं बढ़िया बड़ा बनाऊंगा इसको। ये है भाई ग्लूकोज। अच्छा एक बात मुझे बताओ, सबसे पहली जो हेडिंग थी वो क्या थी? कि ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण, यही था तो फॉस्फोरिलीकरण। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, फॉस्फोरिलीकरण में या तो आप एटीपी से एडीपी बनाते हैं या ईडीपी से एटीपी बनाते हैं, यही दो काम चलते हैं। तो जब भी किसी का भी फॉस्फोरिलीकरण हो तो हमेशा एक एंजाइम काम आता है जिसको हम काइनेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो फॉस्फोरिलीकरण करना है तो एंजाइम आएगा काइनेज। किसी का समावयवी अणु बदलना है तो एंजाइम आएगा आइसोमरेज। समावयवी आप जानते हैं केमिस्ट्री में के समावयवी अणु क्या होते हैं, आइसोमर क्या होते हैं। और अपचयन करना है तो आएगा डिहाइड्रोजनेज। ये 3 प्रकार के एंजाइम आप जरूर याद रखना। फॉस्फोरिलीकरण में हमेशा काइनेज एंजाइम आता है, अपचयन में डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आता है ना। CO2 ऐड कर रहे हैं तो कार्बोक्सीलेज आता है, CO2 निकाल रहे हैं तो डीकार्बोक्सीलेज आता है, ये आप जानते हैं है ना भाई। तो देखिए जब आप सबसे पहले ग्लूकोज है तो इस ग्लूकोज का आपको क्या करना है, फॉस्फोरिलीकरण करना है ना। तो जब भी आप ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण करेंगे तो आप क्या करेंगे, एटीपी का प्रयोग कर इसको ईडीपी में चेंज करेंगे, एटीपी को है ना। एंजाइम जो होगा वो होगा हेक्सो काइनेज। कौन सा होगा भाई? हेक्सो काइनेज। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरिलीकरण हो रहा है किसका, हेक्सोज शर्करा का। किसका हो रहा है? हेक्सोज शर्करा का। आपको इसको रटना नहीं है, रटेंगे तो मैं कहता हूं बोर्ड एग्जाम में आप 100% बोलेंगे मैंने आपसे बोल दिया, कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाएगी। आप उसको बनाकर देखना है, समझना है। अरे मैंने इसको रट रखा है क्या? नहीं, मैंने तो इसका कुछ भी नहीं रट रखा, मैंने तो कुछ कंसेप्ट इसके तैयार किए थे और उन्हीं से अब मैं सारे को बनाऊंगा। तो आप भी मेरी तरह कर सकते हैं, हम कोई अलग थोड़ी हैं, समझ रहे ना। मैं एनिमल थोड़ी हूं, आप ह्यूमन है, मैं एनिमल हूं क्या? अरे वी आर ह्यूमन, तो हम सभी कॉमन है, दिमाग क्षमता व सारी चीज होती है ना। वही 14 से 15 cc का दिमाग होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए कैपेसिटी माइंड की पावर है। देखिए भाई ये जो ग्लूकोज है इसका सबसे पहले हम फॉस्फोरिलीकरण कर रहे हैं। तो फॉस्फोरिलीकरण का मतलब आप सभी जानते हैं कि आप एटीपी दीजिए, एडीपी निकलेगी। तो भाई एक फॉस्फेट यहां पर मुक्त हुआ नहीं हुआ, तो वो फॉस्फेट जुड़ेगा किससे, ग्लूकोज से। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं और छठवें कार्बन पर ही आप फॉस्फेट जोड़ सकते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो बताइए जो अगला कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि हमें पता है कि हमारी पहली हेडिंग ग्लूकोज के फॉस्फोरिलीकरण की है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत? ग्लूकोज लिया जो कि 6 कार्बन का होता है, उसका जब हमने फॉस्फोरिलीकरण किया तो एटीपी ईडीपी में चेंज होगी, एंजाइम होगा हेक्सोकाइनेज, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि काइनेज एंजाइम आता है फॉस्फोरिलीकरण हो तो। यदि आप यहां पर हेक्सो भी नहीं लिखें, डायरेक्ट काइनेज लिखें, तो भी आपका गलत करने वाला कोई नहीं है, हैं?
समझ रहे ना। हाँ आप डायरेक्ट काइनेज एंजाइम भी यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया, ये आपको समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कितना सिंपल तो है भाई। अरे ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण किया है तो एटीपी एडीपी में हेक्सोकाइनेज एंजाइम, और ये कंपाउंड तो आप जानते ही हैं भाई, हम आराम से बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, अब एक बात मैं आपको बता दूं कि आप बोल रहे हैं सर ये पहला टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण तो कर लिया, लेकिन एक बात मेरी अभी ध्यान समझो कि अभी तक ग्लूकोज का कंप्लीट फॉस्फोरिलीकरण नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें यहां 2 ATP खर्च करनी है। ये नियम कहता है कि भाई जब भी आप ग्लूकोज का, अब याद रखना अपने माइंड में कंसेप्ट कि जब भी हमें ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण करना है तो हमें 2 ATP खर्च करनी पड़ेंगी, और अभी हमने केवल 1 ATP खर्च की है, ठीक है। तो अभी फॉस्फोरिलीकरण कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब हम क्या सोचेंगे यार, एक तो हमने लगा दी, अब इस 1 ATP को कहाँ लगाएं? अरे ग्लूकोज के पास तो जगह ही नहीं है। तो एक मित्र आपका आइडिया देगा, एक दोस्त, यार ऐसा कीजिए ना, इस ग्लूकोज को इसके समावयवी अणु में बदल दो। मेरी बात समझो, आपके पास एक टास्क था भाई कि आपको 2 ATP खर्च करनी है, 2 रुपए हैं आपके पास, तो आप गए कि चलिए भाई ग्लूकोज ये ले 1 ATP, तो ग्लूकोज ने कहा चलो ठीक है भाई मुझे 2 ATP और मैं बन जाता हूं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, बन गया। अब बोलेंगे यार हमने तो ग्लूकोज को दे दिया यार, और इसी को मुझे दूसरा रुपये देना है, तो यार कैसे दें? तो उसने ये कहा ग्लूकोज ने, यार देख भाई मैं तो नहीं दे सकता, तू ऐसा कर, मेरा भाई है जो मेरी बिल्कुल हमशक्ल है, लेकिन उसके पास मेरे से कुछ एक्स्ट्रा चीज है, अर्थात मैं कहूं कि मेरे पास एक हाथ है और उसके पास पूरे 2 हाथ है, मेरा एक हाथ कट चुका है, सिंपल सी बात है ना। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइज करेंगे, समावयवीकरण करेंगे, है ना। और जब इसका आप आइसोमराइज करते हैं, समावयवीकरण करते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये बदल जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ध्यान से आप मेरी बात को समझो, ये अब इसमें एंजाइम जो होगा हम उसको डायरेक्ट आइसोमरेज एंजाइम बोल सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात यहां तक? देखो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र समझना है, रटना नहीं है भाई, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं जब हम आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट दे रहे हैं तो आपको रटने की कहां आवश्यकता है, समझ लो थोड़ा, है ना। देखिए और बिल्कुल हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि हमें अपने कोर्स की चिंता नहीं है बिल्कुल भी, हमारे पास कुछ ही चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉटनी में, और बाकी तो छोटे छोटे एक एक दो दो दिन के चैप्टर हैं, तो कम दिनों में ही हो जाएगा, तो हमें इन चैप्टरों पर अपना ज्यादा ध्यान लगाना है ना, है ना। देखिए तो ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण, क्योंकि भाई हम ग्लाइकोलाइसिस चक्र पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस चक्र पढ़ रहे हैं, और ये जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र है हम जानते हैं कि ये पूरे 10 प्रक्रमों में होता है, और इसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला था फॉस्फोरिलीकरण, तो अभी हम पहले स्टेप पे चल रहे हैं जिसको ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण कह के चलते हैं। आपने आरेख देखा होगा, आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा यार, पता नहीं ये कहां से क्या है, कैसे हमें एंजाइम याद रखने, कहाँ ATP प्रयुक्त करनी, मैं कहता हूं आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं आपके लिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? आप तो बस मेरी बातों को ध्यान समझिए, आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। अभी देखो दोबारा, हमें ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण करना है, करना है, तो हमारे पास पहला मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, ले लिया हमने ग्लूकोज, इस ग्लूकोज, अच्छा हमारे पास टास्क था कि आपको 2 ATP खर्च करनी है ना। तो हम गए ग्लूकोज के पास, ये हमारा अच्छा मित्र था लेकिन इसके पास एक हाथ था, ठीक है।
तो हमने कहा ठीक है भाई ग्लूकोज ले एक एटीपी। और कि ठीक है यार दे दो, मेरा एक आता है, 1 रुपया आ गया मेरे पास, अब मैं पूरा हो गया। तो ये बदल जाएगा किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, क्योंकि हम जानते हैं कि ये उस फॉस्फेट को अपने 6 कार्बन पर ही जोड़ सकता है। तो इस चरण में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे चरण में जब आप सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि भाई सर ने ये बताया था 2 ATP देनी है, अभी तो हमने 1 ATP दी है। फिर सर ने एक कहानी सी बताई थी जिससे आपको याद आ जाएगा यार हमें इसके भाई को ढूंढना है, इसी के जैसे भाई को, तो मतलब उसका हमें आइसोमराइजेशन कराना है, समावयवीकरण। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जब हम आइसोमरीज एंजाइम की सहायता से आइसोमराइजेशन कराते हैं तो वो बदल जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसमें बदल जाता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। क्यों भाई? क्योंकि ये समावयवी अणु है और ये फ्रक्टोज जो कि 6 कार्बन ही होता है, लेकिन उसके पास ये विशेषता होती है कि वो 2 जगह पर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर सकता है। अब इसके ऑलरेडी 6वें नंबर पे तो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें ये क्षमता होती है फ्रक्टोज के अणु में जो कि आइसोमर होता है ग्लूकोज का ही, कि वो 1st कार्बन पर भी फॉस्फेट को ऐड कर सकता है। अब तो आपकी समस्या ही सॉल्व हो गई, ठीक है? क्यों भाई? हमने अब फ्रक्टोज मिल गया, उसका दूसरा भाई मिल गया जिसके 2 हाथ हैं, ये ले अपने हाथ में पैसा। समझ में आ गई बात? हाँ, तो वही बात है। अब दोबारा से इसका आपको क्या करना पड़ेगा भाई? फॉस्फोरिलीकरण। क्या करना पड़ेगा? फॉस्फोरिलीकरण। तो मैं कहता हूं आपको क्या दिक्कत है अब यहां समझने में, है ना? यहां मैं लिख दूं, यहां एरो दिखाई दे रहा है यहां तक? नहीं दे रहा। हाँ चलो, नहीं थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है ना? चलो यहां पे बना दूं मैं आगे ना, क्योंकि तो आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे लगभग। यहां बना देता हूं इससे आगे ना भाई। तो ये हमारा एरो है। अच्छा, अब इसमें हमें क्या करना है? क्या कर रहे हैं आप? अरे ATP दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ATP, क्योंकि आपके पास 2 ATP थी। तो सिंपल सी बात हो गई भैया, एटीपी से एडीपी, ठीक है? कौन सा एंजाइम? वही काइनेज। कौन सा? काइनेज। लेकिन यहां जैसे हमने हेक्सो सर करा थी तो हेक्सो काइनेज, तो यहां आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज। कौन सा एंजाइम? फॉस्फो फ्रक्टो, अरे दोबारा लिखते फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, ठीक है? अच्छा, मैं यहां इस आरेख को इंग्लिश में भी बना देता, अच्छा भी लगता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं। देखो, टीचर का काम होता है सभी स्टूडेंट्स को एक नजर से देखना, ठीक है? तो कुछ जो कमजोर बच्चे होते हैं वो इंग्लिश मीनिंग लिखने में दिक्कत करते हैं और उनको समझ में भी कम आता है। अब ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में बना के आए तो आपको 2 की जगह पे 3 नंबर मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम नंबर मिलते हैं, है ना? समझ में आ रही बात? तो हमें हर स्टूडेंट को ध्यान में लेके चलना पड़ता है भाई। भाई कुछ सोच रहे हैं कि सर और तो इंग्लिश में इसको कराते हैं, आप हिंदी में करा रहे हैं, तो भाई हमें आई केयर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है? हाँ, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, यदि आप उसको जैसे देखो, आपको टास्क 2 ATP 12 याद रखना है, उसी से आप इस पहले चरण को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है? तो जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, जब आपको पता है कि भाई हमें इसको ATP देना है तो मतलब फॉस्फोरिलीकरण करना है ना? समझ में आ गई बात? तो ये जो फॉस्फोरिलीकरण करेंगे तो बताओ ये ATP आप यहां पे खर्च करेंगे नहीं करेंगे? और मैंने कहा यदि आप फॉस्फोरिलीकरण कर रहे हैं तो काइनेज एंजाइम होगा। अब फॉस्फोरिलीकरण किसका कर रहे हैं? फ्रक्टोज का। तो आप कह सकते हैं फ्रक्टोकाइनेज या फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। तो
तो बताओ एंजाइम भी आपको याद हो जाएगा, क्या आएगा? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे इसमें रटना सोचना ही नहीं है, याद करने की तो कोई बात ही नहीं है भाई। अरे ये आपको याद करना है क्या कि यार पहला ग्लूकोज है, दूसरा वो है, तीसरा ये, ऐसे याद करना है क्या? नहीं करना। मैंने याद किया था ग्लूकोज है हमारे पास और 2 ATP हैं, बस वो 2 ATP मुझे ग्लूकोज पे खर्च करनी है। अब मैं ग्लूकोज के पास गया, ग्लूकोज बोल रहा यार मेरा तो एक ही आता है। मैं कह चल ठीक है एक तो ले दूं, तो मैंने कर दिया उसका फॉस्फोरिलीकरण। अब फॉस्फोरिलीकरण मुझे पता है कि भाई ग्लूकोज छठवें कार्बन पर जोड़ता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब मैंने कहा यार दोस्त कोई सलाह दे यार, मैं इस दूसरी ATP को कहाँ दूँ, मुझे तेरे ही परिवार वालों को देना है। तो उसने कहा यार ठीक है मेरे जैसा एक भाई है उसके पास 2 हाथ है, या मैं कहूँ उसके पास 1 हाथ है, दूसरे भाई के पास भी वो खाली है उसको दिया, ठीक है? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का अब हम क्या कर देंगे, आइसोमराइजेशन कर देंगे, जिससे ये बदल जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जिसके 2 हाथ हैं, एक एक नंबर का और एक 6 नंबर का, लेकिन ग्लूकोज का एक 6 नंबर का हाथ था, ठीक है? तो फ्रक्टोज के पास जब हम गए तो हमने क्या किया, ले भाई 1 ATP तू ले ले। तो बताइए आपको फिर इसका फॉस्फोरिलीकरण करना पड़ेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा? और फॉस्फोरिलीकरण करना तो आप समझ गए कि ATP से ADP और बस जोड़ दो अगले कंपाउंड में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था तो फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो यहां तक जो ये 3 चरण हैं ये हैं ग्लूकोज के फॉस्फोरिलीकरण के, नोट कीजिए, ठीक है? हाँ समझ में आई कि नहीं आई भाई बात? देखो कितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो आप भी किया करो, वैसे कुछ बच्चे कर रहे हैं मुझे पता है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं सभी, है ना? हाँ लेकिन जो कुछ कमजोर हैं जो कि मैं अक्सर उनको देखता आया हूँ भाई, अरे वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दें, वीडियो भी नहीं देखते हो यार पूरी, है ना? चलिए तो यहां तक आपने नोट कर लिया, ये हमारा पहला चरण था जिसको हम ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण कह रहे हैं। अब मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ा सकता क्योंकि उसमें लंबा टाइम हो जाएगा, ठीक है? तो हम यहीं तक इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं ना। एक बार दोबारा देखो, वायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया को हम पढ़ रहे हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन को। रेस्पायरेशन में CO2 और 38 ATP बनते हैं, ये हमारे लिए एक टास्क है, एक उद्देश्य है, बनाना है, हमारे पास एक एम है। तो हमने क्या किया यार, ठीक है, और हम जानते हैं कि ग्लूकोज से हमें ये एक 38 ATP बनानी है, तो हमारे लिए एक ग्लूकोज दे दिया गया, ग्लूकोज का अणु। तो हमने सबसे पहले तो ये कहा, मैंने आपसे पूछा कि यार तुम्हारे पास एक ग्लूकोज है तुम इससे 38 ATP कैसे बनाएंगे? तो आप बोलेंगे देखो सर सबसे पहले तो हम इस ग्लूकोज को पाइरूविक अम्ल में तोड़ेंगे। मैं क्या कैसे तोड़ेंगे? मैं ग्लाइकोलाइसिस चक्र के माध्यम से। मैं कि बहुत अच्छी बात है। फिर आप बोलेंगे जैसे ही सर हम इसके पाइरूविक अम्ल बना लेंगे ना, फिर हम इसको ले जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। मैं क्या यार माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेंगे? सर हम वहां पर चलाएंगे क्रिप्स चक्र, जिससे हम इनडायरेक्ट ATP और अपने कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने CO2 तो बना ली, इनडायरेक्ट ATP मतलब। मैंने कहा यार सर हम कुछ ऐसी यौगिक बना देते हैं जिनके पास हिडन एनर्जी होती है, हिडन ATP होती है। फिर कहा यार अभी तो आपके पास हिडन है, आप इनको कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे सर फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन परवहन श्रृंखला चलाएंगे और उन हिडन ATP से अपनी ATP प्राप्त कर लेंगे और हमारा पूरा रेस्पायरेशन कंप्लीट। समझ में, इतनी सी तो बात है यार, है ना?
फिर मैं कह चलो ठीक है, तो आप मुझे ग्लाइकोलाइसिस बताइए सबसे पहले। तो बोले कि सर देखो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ना वो 3 स्टेपों में होता है, और उसमें जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमारे पास जो ग्लूकोज है उसका हमें केवल फॉस्फोरिलीकरण ही करना है। मैं क्या फॉस्फोरिलीकरण मतलब? आप बोलेंगे देखो सर हमारे पास है 2 ATP और हमें ये 2 ATP ग्लूकोज के ऊपर ही खर्च करनी है। ठीक है, मैं यार करो कैसे करेंगे? फिर मैंने आपसे कहा कि यार देखो आप गए ग्लूकोज के पास, ग्लूकोज के पास गए तो ग्लूकोज देखा उसका एक हाथ था, लेकिन आपने क्या किया भाई हमें तो ग्लूकोज को ही देनी है क्योंकि आप वादा कर चुके हो, मेरे से प्रॉमिस कर चुके हो। तो आपने ग्लूकोज को जब 1 ATP दिया और मैंने आपको बता रखा है यदि कहीं भी ATP का प्रयुक्त तो हो जाए तो आप उस घटना को फॉस्फोरिलीकरण बोलते हैं, बोलते हैं। तो आपने ग्लूकोज का किया फॉस्फोरिलीकरण, अर्थात उसको 1 ATP दी, और एक फॉस्फेट जब ग्लूकोज से जुड़ेगा तो अगला कंपाउंड आपको याद नहीं रखना है, अपने आप बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। समझ में आ गई बात? है ना, आपने इसको 1 ATP दे दी। अब आपने कहा यार हम तो सर से वादा कर चुके हैं, अभी तो हमारे पास 1 ATP और बची है, तो आप ग्लूकोज से सलाह ले रहे हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। यार कोई सलाह दे भाई, ये ATP हम कहाँ खर्च करें और हम तो यार तुम्हारी कह के आए। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहता है यार कोई बात नहीं है, मेरे जैसा एक हमशक्ल भाई है उसका भी एक हाथ है, बिल्कुल मेरे जैसा ही है, आपके सर पहचान ही नहीं पाएंगे उसको कि मैं हूं कौन हूं, है ना। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम क्या करेंगे वो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसको चेंज कर देंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, अर्थात उसका समायवीकरण कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम इसको अपना ATP दे देंगे जो दूसरा है, तो मतलब इसका आप क्या करेंगे फॉस्फोरिलीकरण करेंगे। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तो इसके पहले कार्बन पे ही तो जुड़ेगा यार, इतना तो आप जानते हैं केमिस्ट्री। तो फ्रक्टोज 1,6-डाई फॉस्फेट अगला कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा, और आपकी 2 ATP यूज हुई कि नहीं हुई, दोनों में कौन सा एंजाइम आएगा, काइनेज एंजाइम आएगा, तो बताओ क्या दिक्कत है यार इसमें। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला स्टेप जिसको हम ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण कह के चल रहे। तो बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट साल यही क्वेश्चन पूछा गया था कि एक तो इसका आरेख और एक इसी की थ्योरी। ठीक है, अब कृपया करके किताब में इसकी थ्योरी आप जरा देखना और इसके आरेख आप देखना, बिल्कुल डिटो है, कोई अंतर नहीं है, थ्योरी आरेख से ही हमें करनी है, कोई समझने वाली इसमें बात ही नहीं है। ठीक है, तो मैं जैसा मैं कह रहा था आज नहीं हो पाया ग्लाइकोलाइसिस, कोशिश तो बहुत की थी पर जल्दी से समझ में नहीं आता है ना, तो इसलिए हमें हर कंसेप्ट इसका क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, कल हम अपने पूरे ग्लाइकोलाइसिस चक्र को कंप्लीट कर लेंगे ढंग से, बिल्कुल इसी प्रकार। ठीक है, तो आज आप केवल ग्लूकोज के फॉस्फोरिलीकरण तक ही इसको पढ़ना, लेकिन इसकी थ्योरी पढ़ लेना और माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र और संरचना थोड़ी सी देख लेना। ठीक है, तो बाकी बातें करेंगे वो कल।